अगर इस्लाम की असलियत, जिसके लिए मौलाना कहते हैं कि अगर मोहम्मद के बारे में बोला तो सर काट देंगे, अगर ये भैल हिंदू अपने दिमाग से निकाल दे, हम हिंदू हैं, हम राम के चरित्र की मीमांसा कर सकते हैं, हम कृष्ण के चरित्र की मीमांसा कर सकते हैं, हम परशुराम जी के चरित्र की मीमांसा कर सकते हैं, तो हमारे लिए मोहम्मद क्या चीज है? हम मोहम्मद की मीमांसा क्यों नहीं करेंगे और क्यों सच नहीं बोलेंगे? और अगर मोहम्मद का सच अगर दुनिया के मुसलमान को पता चल जाए तो उसे अपने मुसलमान होने पर शर्म आएगी, उसे शर्म आएगी, क्योंकि हर आदमी के अंदर भगवान जो है एक नेचुरल इंस्टिंक्ट बना के भेजता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा अंतरात्मा होती है सबके अंदर। और जब किसी को पता चलेगा कि तू केवल लुटेरे डकैत और जल्लाद को फॉलो कर रहा था, ऐसे व्यक्ति को जो बलात्कारी था, ऐसे व्यक्ति को जिसने औरतों की सौदागरी की है, पता है ना क्या बोलते हैं हमारे यहाँ? दल्ला बोलते हैं, पता है ना तुम्हें इस बात का? तो जब उसे ये पता चलेगा तो उसे शर्म आएगी। ये तो हिंदुस्तान के घटिया नेता और नकली धर्मगुरु है जिन्होंने ग्लोरीफाई कर दिया इस्लाम जैसी गतिविधि को। अगर इस्लाम के बारे में सच छाती खोलकर बोला जाता तो आज हर मुसलमान को, दुनिया के हर मुसलमान को अपने मुसलमान होने पर शर्म आती, मुसलमान को शर्म आती कि वो जब हिंदुओं के साथ बैठता तो उसे थूक के खाना देता है, उसे शर्म आती कि उसने अपने दोस्तों के साथ क्या किया, उसे शर्म आती कि तू अपने भाई जैसे दोस्त की पत्नी पर, उसकी बेटी पर गलत निगाह रखे हुए क्योंकि तू एक लुटेरे पे फॉलो करता है। ये बताने की जरूरत है। कुत्ते आपस में अपनी गली में बहुत भौंकते हैं, मेरे इस मैसेज को उस मलून तक पहुंचा दें, अगर जरा बराबर भी दम खम है तुम्हारे अंदर, तुम्हारी माँ ने अगर दूध पिलाया है तुमको, तो अब मैं मुनाजरे का चैलेंज नहीं दे रहा हूं, डिबेट भी नहीं करूंगा, बातचीत भी नहीं करूंगा, आओ मैं ऐलान करता हूं 8 दिन के अंदर तुम दिल्ली पहुंचो, किसी मैदान में पहुंचो, अपनी सारी मुकद्दस किताबें लेकर के आओ, इंशाअल्लाह अजीज ये फकीर कुरान पाक लेकर हाजिर होगा, हम आएंगे, तुम अपने सारे गुरु घंटालों को लेकर जमा हो जाओ। मैं मुनाजरे का चैलेंज नहीं दे रहा हूं, तवज्जो चाहता हूं, मैं डिबेट करने की बात ही नहीं कर रहा हूं। ये न्यूज एंकर जितने दज्जाली मीडिया वो भी सुन लें, अपने डेस्क पर बैठ करके टट्टू लोगों को लड़ाते रहते वो भी सुन लें, कुरान इस्लाम रसूल की जात पर हमले कराने के लिए जरखरीद लोगों को बिठाते वो भी, सारे न्यूज एंकर ये पंडित सब जमा हो जाए मैदान में, ये फकीर कादरी हाजिर होगा, एक बड़ी आग जलाई जाए, आग लगाई जाए, मैं उससे कहता हूं मैं भी आग में दाखिल होऊंगा, तू भी आग में दाखिल हो जा, जो सलामत रहेगा उसका दीन हाथ पे जाना जाए। बहुत हो गया है मुसलमानों, बहुत हो गया एहतजाज, बहुत हो गए प्रोटेस्ट, बहुत हो गया इनसे मुतालबे करना कि इसको गिरफ्तार करो, इसका सर चाहिए, आओ आज